जिला पूर्ति विभाग निरीक्षक ने अपने उच्च अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। दलित समाज से जुड़े निरीक्षक संतोष कुमार ने जिला पूर्ति अधिकारी पर लगाए उत्पीड़न के गंभीर आरोप। सार्वजनिक रूप से जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के लगाए हैं आरोप। पीड़ित संतोष कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर लगाई न्याय की गुहार। अपमान से ग्रस्त दलित निरीक्षक ने नौकरी से इस्तीफा देने तक की कही बात। जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह पर साजिश रचते हुए नौकरी से निकलवाने के लगाए आरोप। पीड़ित ने डीएम और मुख्यमंत्री से लगाई है न्याय की गुहार। पीड़ित मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कार्यालय में है तैनात। मेरा नाम संतोष कुमार है। क्या प्रॉब्लम है? मैं आपूर्ति विभाग में तैनात हूँ। मेरे जो जिला पूर्ति अधिकारी है श्री अजय प्रताप सिंह, इनके द्वारा मुझे लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं मानसिक रूप से और मतलब जातिगत और जन्मजातगत गालियाँ दी जाती हैं। कभी कभी तो इनके गालियों का स्तर इतना गिर जाता है कि मेरी आत्मा तक हिल गई। अभी हाल ही में 22 तारीख को इन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके जिन शब्दों का प्रयोग करते उन शब्दों ने मुझे तोड़ के रख दिया। इन्होंने मुझको बोला कि ये बता, अभी तू ये बता, तू पैदा कहाँ से हुआ बे? आप ये बताइए, क्या कोई इंसान अपनी माँ की गाली सुन सकता है? मैं नहीं सुन पाऊँगा। ये नौकरी जाती है चली जाए, लेकिन मैं न्याय पाके रहूँगा। मुझे इस नौकरी से कोई मतलब नहीं है। मैंने ये नौकरी इसलिए नहीं पाई है कि मैं दूसरों की गालियाँ सुनूँ। मैं जनता की सेवा के लिए मैंने ये नौकरी चुनी थी। और अगर इस नौकरी के साथ अगर ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो हर स्तर पर गाली देकर और मतलब आपको याद दिलाते हैं कि आप किस समाज, किस दलित जाति से बिलोंग करते हैं, ये याद दिलाते हैं कि आपका कोई वजूद नहीं है, और जो इंसान मुझे मेरी माँ की गाली देके मुझे तोड़ रहा है अंदर तक, मैं खुद को कैसे खड़ा कर पाऊँगा? मैं उस दिन तो मेरे हाथ पर कांपने लगे। मुझे ये लगने लगा कि शायद अब ये नौकरी मैं ना कर पाऊँगा, मैं बच्चों का चेहरा भी ना देख पाऊँ। मेरे सीने में इतना दर्द शुरू हो गया, मैं हाथ पर कांपने लगे। मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन करके बताया मैं आज आ नहीं पाऊँगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं रात को उस दिन 12:15 बजे घर लौटा। घर इसलिए नहीं लौटा कि बस इसलिए घर लौटा कि उनको बच्चों को मेरा रोता हुआ चेहरा दिखाई ना दे। अगर मैं रात को जल्दी लौटा तो बच्चों के सामने मेरी आंखों से आंसू आते तो शायद मैं उन्हें ये बता नहीं पाता कि मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। और इन सब के पीछे जो एक व्यक्ति है वो है जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह। इनके द्वारा यहाँ पर सिर्फ लोगों को प्रताड़ित ही नहीं किया जाता है, इनके द्वारा अवैध वसूली भी की जाती है। और जो व्यक्ति इनके रास्ते में आता है उसको इस तरह प्रताड़ित करते हैं कि उसकी आत्मा तक को तोड़ के रख देते हैं ये। और साथ ही साथ इनके द्वारा उस व्यक्ति के मन में उसके आत्मविश्वास को भी तोड़ कर रख दिया जाता है ताकि वो दोबारा कभी उठ के खड़ा ना हो सके, क्योंकि इनकी पहुंच इतनी ज़्यादा है। हर स्तर पर इनके द्वारा हर व्यक्ति को अपनी पहुंच के बल पर दबा दिया जाता है, शिकायतों को भी दबा दिया जाता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे न्याय प्रदान करें, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु कि आप इस राज्य के, आप सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, आप इस राज्य के भगवान भी हैं। और मैं जानता हूँ कि भगवान से मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। धन्यवाद। आपने कहीं एप्लीकेशन दी, कोई शिकायत की आपने? जी हाँ, मैंने जिला अधिकारी महोदय को शिकायत की थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिला अधिकारी महोदय बहुत ही ईमानदार और संवेदनशील व्यक्ति हैं। मैंने पहले उनको 24 तारीख को व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायती पत्र भेजा, और उसके बाद 25 तारीख को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्य मंत्री खाद्य रसद विभाग को, माननीय प्रमुख सचिव महोदय को मैंने पत्र भेजकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। शीघ्र ही यह पत्र उनके पास पहुंचेगा। और साथ ही मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी मैंने पत्र भेजा है, क्योंकि कोई व्यक्ति सम्मान के साथ नौकरी करना चाहेगा, सम्मान झुका के या जमीन पर गिर के नौकरी नहीं कर सकता है। और इन्होंने तो मेरे संग ऐसा व्यवहार किया कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब भी मैं सोचता हूँ, जब कि उनके शब्दों को याद करता हूँ कि अभी तू ये बता कि तू पैदा कहाँ से हुआ है, मुझे लगता है कि शायद मुझे नौकरी छोड़ देना चाहिए। बस मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे साथ न्याय करिए आप, क्योंकि इनके द्वारा जो मेरे साथ किया गया है, एक अगर ईमानदार व्यक्ति मुझको कुछ भी डांटे फटकारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक भ्रष्ट व्यक्ति, दूसरा जो भ्रष्ट व्यक्ति है अजय प्रताप सिंह, इनके द्वारा जिस प्रकार की गालियां यूज़ की जाती हैं, लगता है कि इनकी माँ ही नहीं है, सिर्फ माँ हमारी है, ये हमारी माँ कोई गाली दे सकते क्या? अगर जो माँ मेरी मर चुकी है उसको लेके ये गाली देते हैं तो क्या इन्होंने कभी अपनी माँ को गाली दी? नहीं दी होगी, नहीं दी होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि इनके लिए तो सिर्फ जन्मजात गालियाँ और जातिगत गालियाँ सिर्फ उनके लिए बनी हैं जो इनसे कमज़ोर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाइए, क्योंकि मैं आपसे न्याय की उम्मीद करता हूँ। मुझे पता है कि आपने जनपद को, और जनपद को ही नहीं, इस प्रदेश के हर जनपद को, प्रदेश के पूरे
हर जनपद को आपने सुधार के रखा है, और ऐसा कोई जनपद नहीं मैं जानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपसे अछूता हो। आप जहाँ चाहें वहाँ काम कर सकते हैं, आपकी जब वजह से आज हम सुरक्षित हैं। हम जानते हैं कि अगर हम रात को 12 बजे भी अपने बच्चों के साथ कहीं जाते हैं तो कोई व्यक्ति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सुरक्षा आपकी हमें मिली हुई है। आज भी मैं अपने बच्चों के साथ स्वयं को महसूस करता हूँ, सुरक्षित महसूस करता हूँ, लेकिन इस व्यक्ति की वजह से आज मैं मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ कि मैं सिर्फ न्याय की गुहार में आपसे लगा सकता हूँ। और मैं अपने ज़िले के माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ, मैं जानता हूँ महोदय आप बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप इस जिला पूर्ति अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ।